करुणावतारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवम् भवानी सहितम् नमामि। भक्तजनों, आज हम भगवान भोलेनाथ की कुछ कथाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। देवों के देव, दानियों के दानी भक्तों के लिए इतने दयालु क्यों हो जाते हैं? कोई भक्त सच्चे मन से यदि इनकी साधना करता है तो उसे वर देने में भोले बाबा देर नहीं लगाते। तो आइए सुनते हैं शिव भक्तों भगवान भोलेनाथ की ये पावन संगीतमय कथाएं। भोलेनाथ देवों के देव हैं, तभी तो कहते महादेव हैं। सच्चे मन से जो इन्हें दियाए, एक शिव भक्त की सुनो कहानी। कथा है भक्तों बड़ी पुरानी, यजुर्वेद में मिलता वर्णन। सौंध नामक था एक राजा, शिव शंकर का ध्यान लगाता। भक्ति में जो लगन लगाई, एक दिन आया उसके मन में, जाके सैर की जाए वन में। जो ही राजा वन में आया, सुंदर एक सरोवर पाया। भक्तजनों, उस सुंदर सरोवर को देखकर राजा मंत्र मुग्ध हो गए। उस सरोवर में एक राज हंसों का जोड़ा भी तैर रहा था। राजा के मन में आया कि क्यों ना इन राज हंसों को अपने महल में ले जाया जाए। महल के सरोवर में ऐसे सुंदर राज हंस होंगे तो महल की शोभा और भी बढ़ जाएगी। राजन उन राज हंसों को पकड़ने हेतु सरोवर में उतर गए, किंतु जैसे ही राज हंसों के पास में गए तो डुबकी लगाकर वो राज हंस दूसरे किनारे पर चले गए। तब राजन फिर से उनके पास पहुंचे तो वो फिर डुबकी लगाकर इस ओर आ गए। इस तरह राजन दिन भर उन हंसों को पकड़ने के लिए तैरते रहे। अंत में राजा तैरते तैरते थक गए भक्तों और सरोवर के किनारे विश्राम करने लगे। तभी वो राज हंसों का जोड़ा राजा के पास आकर क्या बोलता है, आइए श्रवण करते हैं। साधारण हम हंस है राजन, स्वर्ग लोक के राज हंस हम। अगर हमें ले जाना चाहो, स्वर्ण सरोवर में हम जाए, आपके महल की शोभा बढ़ाए। बनवा लो तुम स्वर्ण सरोवर, राजमहल में राजन आए, अपने मंत्री को बुलवाए। बोले महल में स्वर्ण सरोवर, मंत्री ने उनको समझाया, आपके पास ना इतनी माया, इतना सोना कहाँ से लाए, राजकोष खाली हो जाए। भक्तजनों, राजा को तो उन राजहंस के जोड़े ने इतना मंत्रमुग्ध कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में उन्हें अपने महल में लाना चाहता था। किंतु मंत्री ने उन्हें समझाया, हे राजन, स्वर्ण सरोवर बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सोना नहीं है। तब राजन प्रजा के ऊपर कई अतिरिक्त कर लगा देता है और स्वर्ण सरोवर का निर्माण आरंभ करवा देता है, परंतु फिर भी स्वर्ण सरोवर का कार्य पूरा नहीं हो पाया। फिर राजा ने आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और उनका धन लूटना प्रारंभ कर दिया भक्तों। परंतु सरोवर का कार्य तो अब भी अधूरा है। अब और अतिरिक्त कर लगाने के अलावा राजा के पास कोई चारा नहीं था। राजा ने अनेकों अन्य कर प्रजा पर थोप दिए भक्तों, और हंसों की चाहत में वो भगवान शिव की भक्ति भी भूल गया। जो राजा थे धर्म परायण, वो ही दो हंसों के कारण। कर्तव्य है भूले अपना, देख रहे अनचाहा सपना।
राजा उन्हें देती थी दुआएं, अब वो उनसे ही तंग आए, लगी निकलने मन से बद्दुआ। नहीं हुई है फिर वहाँ वर्षा, दान दान को हर कोई तरसा, राजा ने पंडित बुलवाए, राज पुरोहित ने बतलाया, एक महर्षि वन में आया, उस ऋषि वर का अभु नाम है। भक्तजनों इस प्रकार राज पुरोहित के समझाने पर राजन ने ऋषि अभू के आश्रम में जाने का फैसला किया। ऋषि अभू उन्हें बताते हैं कि हे राजन, आपने मात्र दो हंसों को पाने की चाहत में अपनी प्रजा के ऊपर अतिरिक्त करों का भार डाल दिया है। इससे आपने शिव भक्ति का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण ही आपके नगर में ये घनघोर अकाल पड़ा हुआ है। इसका मात्र एक ही उपाय है, आप भगवान भोलेनाथ के नाम पर एक महायज्ञ करवाएं और भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करें। महर्षि अभू के कहने पर राजन ने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया भक्तों, और ब्राह्मणों ने भोलेनाथ का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों ने शुरू यज्ञ कराया, राजा और रानी को बिठाया, आहुति जो यज्ञ में डारी, तब राजन चिंता में पड़ गए, अग्निदेव क्यों रोष्ट हो गए, लगे पूछने राजा से ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने तब ध्यान लगाया और राजन को ये बतलाया, जो वस्तु है आपको प्यारी राजा ने जोड़ा था जो धन, अग्निदेव को किया समर्पण, अग्निदेव फिर भी ना आए। भक्तजनों राजा ने जितना भी धन स्वर्ण इस सरोवर को बनाने के लिए एकत्रित किया था वो सब आहुति में अग्निदेव को समर्पण कर दिया, परंतु इस पर भी अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। तब राजन ने सोचा, अब तो मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु मेरा अपना स्वयं का शरीर ही है, क्यों ना उसे ही मैं अग्निदेव को समर्पित कर देता हूँ, अपनी काया समर्पित कर दूं। ये सोचकर राजा हवन कुंड के मध्य में जाकर खड़े हो जाते हैं। उनका ये त्याग देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों, और उनको साक्षात दर्शन देते हैं। ये थी राजा परीक्षा तुम्हारी, तुम तो प्रजा के हो हितकारी, मन में जागा प्रलोभन ये है, प्रलोभन हुआ दूर तुम्हारा, हमने भक्ति को स्वीकारा, तेरे राज्य में वर्षा होगी, भोले ने वरदान दिया है, भक्तों पर एहसान किया है, भोलेनाथ तो है वरदानी, भक्ति पथ से भटक जो जाते, भोलेनाथ ही रास्ता दिखाते, ये थी भक्तों एक कहानी, अब तुमको दूजी है सुनानी। भगवान भोलेनाथ के भक्तों, अब हम आपको भगवान शिव की एक दूजी कथा संगीत में रूप में सुनाएंगे। प्राचीन समय की बात है भक्तों, गोपाल नाम का एक व्यापारी हुआ करता था, वो बहुत धनी था और आसपास में उसके व्यापार के चर्चे हुआ करते थे। एक समय की बात है, गोपाल बहुत सारा सोना चांदी धन लेकर व्यापार के लिए सागर के मार्ग से जा रहा था कि अचानक तूफान आ गया, उसका जहाज डूबने लगा। गोपाल ने जल में छलांग लगा दी भक्तों, और बड़ी मुश्किल से तैरकर अपने प्राण बचाए, परंतु उसकी सारी कमाई जहाज के साथ साथ सागर में डूब गई। भक्तों होते समय के खेल अजब हैं, ना जाने क्या होना कब।
कब है, आज कोई जो माला माल है, यही गोपाल के साथ हुआ था, सारा ही धन डूब गया था, पानी में गई सारी कमाई, भटक रहा है भूखा मरता, जंगल जंगल में वो फिरता, कच्चे पक्के फल के खाए, बड़ा ही जो धनवान था कल तक, चला नहीं था कभी पैदल तक, पाँव में पड़ गए उसके छाले, भक्तजनों इस तरह गोपाल बहुत दिनों तक भूखा प्यासा वनों में भटकता रहा, कंटीली राहों में चल चल कर उसके पांव लहू लुहान हो गए थे भक्तों। भटकते भटकते एक मंदिर के पास में आया, जहां एक साधु धूनी रमाए बैठा था। गोपाल ने जाकर साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, हे परदेसी, तुम कौन हो और ये क्या हाल बना रखा है? अपनी तो गोपाल ने सारी कहानी साधु को बता दी। साधु परम शिव भक्त था। उसने पहले तो गोपाल को खाने को एक तुम्बा दिया। गोपाल तो कई दिनों का भूखा था, उस तुम्बे को ही 56 भोग समझकर प्रेम से खाने लगा। उसने साधु का आभार प्रकट किया। साधु ने देखा गोपाल के हाथ पर श्वेत कोड़ के निशान थे। ये देखकर साधु उनसे कुछ पूछने लगते हैं। भक्तों, तुमको जो ये कोड़ हो गया, बुरा कर्म तुमने कोई किया, चुरा ले जो औरों का सोना, हे परदेसी कुछ न छुपाओ, मुझको सब सच सच बतलाओ, सोना किसका तुमने चुराया, रहा गोपाल ये मन में, कभी तो मैंने न किया जन्म में, सोना किसी का नहीं चुराया, एकदम उसे याद है आया। एक व्यापारी उसका मित्र था, उसके संग व्यापार वो करता, मृत्यु अचानक उसकी हो गई, भक्तजनों तब अचानक गोपाल को याद आता है कि उसका एक साथी व्यापारी था, जो उसके साथ मिलकर व्यापार करता था। अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वो अपना सारा सोना गोपाल के पास में छोड़कर मर गया था। गोपाल ने उसके पुत्रों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था और उसी सोने से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया था। उसने साधु को सारी सच्ची बात बता दी। साधु कहने लगे, तुम्हें इसीलिए कोड़ हो गया है, तुम उस व्यापारी के पुत्रों को उनका सारा सोना लौटा दो। गोपाल कहने लगा, परंतु आज मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरा सारा धन इस सागर में डूब गया है, अब मेरे पास तो खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, तो भला उन व्यापारी पुत्रों को मैं सोना कैसे लौटाऊंगा? साधु ने कहा, तुम निश्चय तो करो सब ठीक हो जाएगा। और साधु ने अपनी धूनी से थोड़ी सी राख लेकर उसके माथे पर लगा दी। गोपाल अपने घर की ओर चल पड़ा। भक्तों, मन ही मन उसने निश्चय कर लिया था कि वो सही समय आने पर अपने साथी व्यापारी के पुत्रों को सारा सोना लौटा देगा। अब गोपाल है घर में आया, एक सेठ को आगे पाया, वो गोपाल से लगा है कहने, तुमसे कुछ धन लिया था मैंने, तब तो मैं लौटा ना पाया, अब मुझको ये याद है आया, मैं आया हूँ इतना सुनकर, जहाज डूब गया तेरा सागर, मित्र हो गया जो था होना, मेरे पास बहुत सा सोना, जितना चाहो तुम ले जाओ, और फिर से व्यापार चलाओ। सोच रहा गोपाल ये मन में, चमत्कार किया उस साधु ने, जाकर उसको शीश झुकाऊं, पहले अपना उधार लौटाऊं,
भक्तजनों, जो ही गोपाल अपने घर वापस आया, उसे एक साहूकार मिला, जिसे कभी गोपाल ने कुछ धन दिया था। वो व्यापारी कहने लगा, हे गोपाल, जब मैं मुसीबत में था तुमने मेरी सहायता की थी, अब तुम्हारा सारा धन सागर में डूब गया है, तो मैंने जो तुमसे उधार लिया था वो धन वापस करता हूँ। गोपाल को उसने 5 सोने की ईंटें दी, जिसमें से 2 ईंटें गोपाल ने व्यापारी मित्र के पुत्रों को लौटा दी। अब उसके मन में कोई पाप शेष नहीं था। बाकी बचे हुए धन से एक दुकान खोली गोपाल ने, बहुत सा मुनाफा कमा लिया था, इसलिए जल्दी ही उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ आगे को चल पड़ा था। अपने बचे हुए समय में गोपाल शिव शंभू का ध्यान लगाता और मुनाफे के धन से एक हिस्सा निकालकर वो निर्धनों की सेवा किया करता था। सभी गांव वाले उसे परम शिव भक्त कहते। और एक दिन जब साधु की याद गोपाल को आई, तो वो उनके दर्शन को चला गया। जो मेरा व्यापार चलाया, ये सब उस साधु की माया, जाकर उसको शीश नवाऊं, आज मैं दर्शन करने जाऊं। मंदिर के जब निकट में आया, वो साधु तो वहां नहीं पाया, लगा सोचने ये गोपाल है, दर्शन करना मैंने चाह, पर वो साधु न मैंने पाया, मन ही मन गोपाल ये बोले, चमत्कार हुआ उसके साथ है, सामने उसके भोलेनाथ है, श्री चरणों में शीश नवाया, तो देखा आपने भक्तों, किस तरह देवाधिदेव भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और जब फिर वही भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से क्षमा याचना करता है, तो भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा की बरसात किया करते हैं। इसीलिए यदि आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाइए, गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराइए, बेल पत्र भांग धतूरा चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए, चंदन तिलक लगाकर उनका सम्मान कीजिए, फिर देखिए भोलेनाथ किस तरह आप पर कृपा लुटाएंगे। एक बार दोनों हाथ खोलकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की। ओ जय 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 भोले भंडारी, तेरी महिमा अगम अपारी, अचल अजर अमर अविनाशी, कैलाशी काशी के वासी, भोले बाघम बरधारी, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ओ परम अलौकिक दिव्य है दृष्टि, तुम में समाई सारी सृष्टि, सदा समाधि में रहते, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ओ तुम्हरे अद्भुत खेल निराले, घोर
हलाहल पीने वाले चंद्र करे उजियाला गल पहने सर्पों की माला सोच कर हम तो हारे सर्वेश्वर अंबिकानाथ तू ही योगेश्वर पतिनाथ कहीं नागेश्वर आशुतोष नटराज तुम्ही हो पति तुम नागेंद्र कैलाश पति तुम अमरनाथ जी
कर भोले त्रिपुरारी। केदारनाथ जी, बैजनाथ जी, त्रिनेत्र के धारी। शंकर संग में रहते भूत भयंकर, मस्त मलंग भोले ना, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ओ कोई कहे भोले भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। शीश पर मेरे धर दो, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ओ ओम नाम के हो मत
प्याले सती जी हो संग में गौरा पार्वती जी तेरे शीश नवाते नाच नाच करे गुणे गान ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओ भीमसेन है शरण तिहार भोले भंडारी भक्तों के पालनहारी ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय सोमवार के व्रत की पावन भक्त कहानी है शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है सोमवार के व्रत की पावन भक्त कहानी है सोमवार के व्रत की पावन भक्त कहानी है शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है किसी नगर में एक जगह एक साहूकार था रहता शिव का वो तो भक्त बड़ा था शिव का पूजन करता किसी नगर में एक जगह एक साहूकार था रहता शिव जी का वो भक्त बड़ा था शिव का पूजन करता शिव का नाम जपूं ये मन में उसने ठानी है शिव का नाम जपूं ये मन में उसने ठानी है शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है धन दौलत की कमी नहीं थी भरे हुए भंडारे शिव की कृपा से खुले थे बंद किस्मत के द्वारे
धन दौलत की कमी नहीं थी, भरे हुए भंडारे शिव की कृपा से खुले हुए थे बंद किस्मत के द्वारे। दिन में हंसता रहता रात आंखों में पानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव शंकर ने अपनी कृपा से झोली थी भर डाली, पर संतान के सुख से उसकी भक्तों झोली खाली। शिव शंकर ने अपनी कृपा से झोली थी भर डाली, पर संतान के सुख से उसकी भक्तों झोली खाली। एक पुत्र दे दे भोले तू सबका दानी है, एक पुत्र दे दे भोले तू सबका दानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। पार्वती मैया से उसका दुख ना देखा जाए, इसको एक संतान दो भोले हट बोले लगाए। पार्वती मैया से उसका दुख ना देखा जाए, इसको एक संतान दो भोले हट बोले लगाए। गौरा से बोले भोले एक बात बतानी है, गौरा से बोले भोले एक बात बतानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। इसकी संतान हो बारह साल तलक जिएगी, गौरा एक न माने सुख से उसकी झोली भरेगी। जो इसकी संतान हो बारह साल तलक वो जिएगी, गौरा एक न माने सुख से उसकी झोली भरेगी। दिया पुत्र का दान यही सब सुख की कहानी है, दिया पुत्र का दान यही सब सुख की कहानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है।
शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। पाकर सेठ सेठानी सुख से समय बिताते, होनी अब क्या खेल रचाए भक्त तुम्हें बतलाते। पुत्र को पाकर सेठ सेठानी सुख से समय बिताते, होनी अब क्या खेल रचाए भक्त तुम्हें बताते। होनी के हाथों से लिखी परम कहानी है, होनी के हाथों से लिखी परम कहानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। बारह वर्ष होने को आए मामा को बुलवाया, भांजे को तीर्थों में घुमाओ मामा को समझाया। बारह वर्ष होने को आए मामा को बुलवाया, भांजे को तीर्थों में घुमाओ मामा को समझाया। दान धर्म और यज्ञ कराओ अलख जगानी है, दान धर्म और यज्ञ कराओ अलख जगानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। हर तीर्थ में मामा भांजा घूम घूम कर आते, यज्ञ हवन करवाते मिलके भंडारे लगवाते। हर तीर्थ में मामा भांजा घूम घूम कर आते, यज्ञ हवन करवाते मिलके भंडारे लगवाते। काशी आए जहाँ पे बसते भोले दानी है, काशी आए जहाँ पे बसते भोले दानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। जैसे ही भांजे का बारवा जन्म दिवस था आया,
होनी ने फिर अपना भक्तों देखो खेल रचाया। जैसे ही भांजे का बारवा जन्म दिवस था आया, होनी ने फिर अपना भक्तों देखो खेल रचाया। मूर्छित हो गया भांजा देखो मौत तो आनी है, मूर्छित हो गया भांजा देखो मौत तो आनी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। मामा इधर काशी में भक्तों भारी रुदन मचाए, माँ बाप की कुछ मत पूछो जीते जी मर जाए। मामा इधर काशी में भक्तों भारी रुदन मचाए, माँ बाप की कुछ मत पूछो जीते जी मर जाए। हमको भी उठा लो भोले क्या जिंदगानी है, हमको भी उठा लो भोले क्या जिंदगानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। गौरा मैया से उन सबका दुख ना देखा जाए, शिव से अलक लगाए बालक जीवित फिर करवाए। गौरा मैया से उन सबका दुख ना देखा जाए, शिव से अलक लगाए बालक जीवित फिर करवाए। आप कहे ये परम पुजारी बात ये जानी है, आप कहे ये परम पुजारी बात ये जानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है। गौरा की हट मानी बालक जीवित फिर करवाए, सेठ सेठानी शिव गौरा को चंदन तिलक लगाए। गौरा की हट मानी बालक जीवित फिर करवाए, सेठ सेठानी शिव गौरा को चंदन तिलक लगाए। व्रत गाथा जो सुन ले नैया पार ही जानी है, व्रत गाथा जो सुन ले नैया पार ही जानी है। शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है, शिव जी की महिमा की गाथा सबको सुनानी है।
जग पा।